हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल फ्रॉम सुखदेवी पेट कैनल से। आज हम जिस ब्रीड की बात करने जा रहे हैं, इस ब्रीड का नाम है फ्लावर हॉर्न। यस, फ्लावर हॉर्न चिकलेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लावर हॉर्न एक बड़ी ही खूबसूरत ब्रीड है। ये 1993 में मलेशियंस और ताइवानीज द्वारा एडमायर करी हुई ब्रीड है। फ्लावर हॉर्न ब्रीड ये ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, जो इनका मेल होता है। और जो ये इनका नाम पड़ा है, तो इनकी जो बॉडी है फ्लावर हॉर्न की, उस पर जो ब्लैक कलर की लाइन है वो फ्लावर शेप की होती है। और जो इनके ऊपर ये कोक बना हुआ है, इसको हॉर्न भी बोला जाता है कई जगह। तो इस वजह से इस ब्रीड को जब कंबाइंडली बोलते हैं तो हम इसको फ्लावर हॉर्न बोलते हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी ब्रीड है। अग्रेसिव है, ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करती है। और ये जो फ्लावर हॉर्न बनी है, ये पैरेट फिश को और रेड डेविल फिश को मिला के, जो ये दोनों चिकलेट है, पैरेट चिकलेट और रेड डेविल चिकलेट को मिला के इस ब्रीड को बनाया गया है। काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है, बीमार कम पड़ती है, इजी टू अडेप्ट होती है और काफ़ी हार्ड फिश है। और इस फिश की एक ख़ास बात और है, इस फिश को जितना ज़्यादा आप गुस्सा दिलाओगे, मतलब इसको ग्रूमिंग के लिए ना, इसके सामने मिरर रखा जाता है या इसके साथ में पार्टीशन लगा के एक मेल रखा जाता है या फिर इसके साथ ही फीमेल पैरेट को रखा जाता है, ये जितना ज़्यादा अग्रेसिव होएगी, जितना ज़्यादा इसको गुस्सा आएगा, इसका कोक साइज़ उतना ही अच्छा होगा। काफ़ी सारे खाने हैं जो इसके लिए अवेलेबल है मार्केट में। एक्सो का हम्पी रेड है, एक्सो का रेड एवर है, काफ़ी सारे फिशेस के खाने आते हैं जिसकी वजह से, मगर जितना ज़्यादा इसमें अग्रेशन आएगा उतना ही अच्छा इसका कोक निकलेगा। थैंक यू। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आती रहेगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, कमेंट इट। जय हिंद।